तो हेलो गाइस, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम नंबर पे आज के एक नई वीडियो में। भाई लोग, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे स्टॉक के बारे में, ठीक है, कि आखिर में कौन सा स्टॉक आज यूजफुल रहेगा आप लोग के लिए, कौन सा स्टॉक हम लोग बाई कर सकते हैं, कौन सा स्टॉक नहीं बाई करना है, ठीक है, सारा चीज़ आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पे नए हो तो जरूर से एक वीडियो को लाइक भी कर देना है दोस्तों। तो सबसे पहले बात किया जाए कुछ बेसिक नॉलेज की, ठीक है। जो लोग नए हो वो लोग क्या करते हैं भाई, लोग आते हैं और कहीं भी आप इन्वेस्ट किसी के बोलने पे कर देते हैं, ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को सबसे पहले इसमें सब चीज़ देखना रहता है, सब न्यूज़ रहते हैं, क्या रहते हैं, क्या चलने वाले। मान लो आज अपने 2 रुपये पे कोई भी स्टॉक बाई किया है, कल वो 4 रुपये जाएगा, 3 रुपये जाएगा, मान लो घट गया, पहले ही से बढ़ाया हुआ है स्टॉक का प्राइस और आप डाले तो वैसे ही थोड़ा सा नुकसान हो गया, तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे चीज़ के बारे में बात करूँगा। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात भी बता दूँ आप लोगों को दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मात्र 150 रुपये में पूरा जानकारी मिल जाएगा कि पूरे लाइफ टाइम, पूरे हमेशा के लिए मेरे साथ आप लोग जुड़े रहोगे कि कब कौन सा स्टॉक सेल करना है, कौन सा स्टॉक बाई करना है और कौन सा स्टॉक होल्ड रखना है, ठीक है। सारा डिटेल्स मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने बता ही दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ पे बात किया जाए कुछ जो स्टॉक के बारे में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टॉप लॉसर्स के स्टॉक पे जाएंगे। NTPC का जो स्टॉक है आप लोग देख सकते हो 369.75 पैसे, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोग को देखने को मिली, जो मार्केट ओपन था ये 379 के करीबन में था और अभी आप लोग देख सकते हो 369 हो गया है। तो एक स्टॉक पे हमारा बेनिफिट कितना हुआ, तो 10 रुपये अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन एक वीक पहले काम इस चीज़ को उठाएंगे तो 300 यहाँ पे गया था और हाईएस्ट प्राइस 384 भी गया है इसका, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 71 गया है, ये तो 2-3 रुपये फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो 91 भी एक मंथ में गया है, एक वीक में ये रेशियो कुछ देखो तो रेशियो। अगर यहाँ पे सबसे पहले एक्सपर्ट रेटिंग पे चलेंगे तो एक्सपर्ट रेटिंग में एक प्रॉब्लम आ रहा है, होल्डिंग 0% दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो ये चीज़ है ना, जो इसमें हम लोग को करना क्या रहता है, इसमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए तो ये नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, इसलिए हम थोड़ा सा कंडीशन देखेंगे कि डाउन कब हुआ और अप कब हुआ। तो डाउन में हम लोग बाई करेंगे और अप में हम लोग इसको सेल कर देंगे। तो वो चीज़ सारा चीज़ मैं बताऊँगा आपको कि किस तरीके से कौन सा स्टॉक करना है, ठीक है, और कब आपको सेल करना है। तो ये सारा चीज़ हो गया अंबुजा सीमेंट का। अंबुजा सीमेंट देखो, ये कुछ प्राइस इस तरीके से था, 670 था, 669 था और उसके बाद प्राइस एक ही बार में कहाँ पहुँचा, तो 95 पहुँच गया, ठीक है। तो इसका मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इस अंबुजा सीमेंट का हम लोग को क्या करना रहता है कि होल्ड रखना रहता है। एक बार आपको दिखा देता हूँ, एक ईयर पहले का देखो 400 कुछ था इसका प्राइस, अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 695 पे चला गया है। हालांकि इस प्राइस को क्रॉस भी करेगा, अंबुजा सीमेंट एक अच्छा स्टॉक है जो आपको बता दूं कि ये कुछ आने वाले टाइम में ये क्रॉस करेगा, इसका होल्डिंग भाई अच्छा होगा। मैं बोला ना भाई, यहाँ पे देखो 43 और होल्ड का 29 और सेल का भी 29, तो ये चीज़ जो है अंबुजा सीमेंट एक अच्छा स्टॉक है और मैं आपको सही मायने में बताऊँगा कि कब ये स्टॉक हम लोग को बाई करना चाहिए। रिटर्न काफ़ी अच्छा देता है, ठीक है, अभी देख लो ना रिटर्न कितना अच्छा दिया है, अभी कुछ ही एक ही दिन में। देखो यहाँ पे, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस था वन डे का, देखो 669 रुपये का था, अभी 695 रुपये हो गए, ठीक है, मान लो 70 ही मान लो, एक तरीके से 70 यहाँ पे हो गए, 30 उधर और 535, 35 रुपीज़ आपको वन स्टॉक में मिल रहा है। तो अगर आप लोग इस अंबुजा सीमेंट में अगर 100 स्टॉक भी खरीदते हो तो आप समझो कितना रिटर्न्स एक दिन में पा लिए, ठीक है। तो वो चीज़ होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है वो लोग मज़े उठाते हैं। सबसे कम स्टॉक ये है इंडियन जो एक यहाँ पे ओवरसीज बैंक करके या फिर कुछ भी है, जो आप लोग को देखने को मिला है यहाँ पे, जो प्रॉफिट देखो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का बात किया जाए यहाँ पे 63 चल रहा है, 63.68 जो ये चल रहा है, इसका एक वीक का निकाला जाए तो एक वीक में भी लॉस चल रहा है और एक मंथ का निकाला जाए तो एक मंथ में भी आपको देखने को मिलेगा लॉस ही। तो इसमें हम लोग को ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना, ये सारा चीज़ मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ, एक मिनट। तो इसमें तो एक स्पॉट रेटिंग भी नहीं दिखा रहा है, बट मैं आपको कैपिटल के अनुसार मैं आपको बता दूं, मार्केट का कैपिटल जो है यहाँ पे इतना करोड़ का है और जो यहाँ पे PB रेटियो जहाँ पे आपको 4.89 का चल रहा है, तो ये अच्छा स्टॉक एक तरीके से नहीं
रहेगा, ठीक है ना, ज़्यादा रिटर्न्स आने वाले टाइम पे अभी नहीं देगा ये। बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का भी बोल रहे हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो बैंक सेक्टर है, बैंक सेक्टर में आपको पता ही है थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है और उसके बाद अच्छा प्रॉफिट भी दिखता है बैंक सेक्टर में। यहाँ पे इसका देखो भाई का 74 है होल्ड का, 22 है सेल का, 4% है, ठीक है। मतलब एक्सपोर्ट रेटिंग के द्वारा यहाँ पे एक वीक का हम लोग निकाले, एक मंथ का निकाले तो अभी यही चल रहा है, और एक साल में ये प्रॉफिट कितना का था, पहले स्टॉक देखो 200 रुपये का था, 3 नवंबर 23 को 200 का था, अभी धीरे 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 ये स्टॉक कहाँ चला गया है देखो, कहाँ तक ये इस ये कहाँ तक टच किया है, 96 तक, मतलब 300 तक भी ये स्टॉक टच कर दिया है। मतलब आपको बता दूँ कि इस स्टॉक को अगर बाई करके छोड़ते हो तो आगे चल के आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। जोमैटो का स्टॉक पहली बार 203 रुपये का, मतलब यहाँ पे क्रॉस कर गया है, यहाँ पे तो अब देखो 119 था पहले ये चला, और उसके बाद यहाँ पे 202 तक गया था, लेकिन अभी जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया जोमैटो, देखो ये कहाँ पहुँचा है, ठीक है। तो जोमैटो का स्टॉक जो है पहली बार रिकॉर्ड तोड़ा है, और ये शेयर्स जैसे हम रोज़ आपको पता है कभी ना कभी गिरता रहता है, तो लेकिन इसको होल्ड टर्म के लिए छोड़ना गलत है। मैं आपको बता दूं जोमैटो को होल्ड टर्म नहीं छोड़ना है, ये जैसे गिरता है उसको हम लोग बाई करें और उसके बाद अच्छा प्रॉफिट देता है, जैसे कि हमने ले लिया, कभी आता है 190 रुपये में भी, तो उसमें उस टाइम हमने खरीद लिया और उसके बाद सेल कर दिया इसको, ठीक है, 203 में 202 में, तो प्रॉफिट आपका हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। एक स्टॉक पे आपको 10-12 रुपये प्रॉफिट हुआ तो आप सोच लो अगर जितना स्टॉक खरीदोगे आपको प्रॉफिट होगा, मैं उस टाइम बताऊंगा ना, इसलिए बोलता हूँ कि ग्रुप में आप जुड़ो, साथ में सब चीज़ एक आपका जो है लगा रहेगा, आपका अमाउंट एक ही दिन में रिटर्न भी आ जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद आप बेनिफिट कमाओगे, ठीक है। तो ICICI बैंक का देखो 12-11 पे अभी सेल आया है, जो इसका अमाउंट एक वीक को देखो तो 12-29 करके गया था, ये देखो अमाउंट हाईएस्ट अमाउंट गया था, उसके बाद ये आया 12-1 में भी आया है। अगर ये 11 पे आता है तो इस शेयर को एकदम से बाई कर लेना आप लोग जो भी है, ICICI बैंक बेस्ट एक स्टॉक माना जाता है। तो अगर 1100 के करीबन में, मतलब 1196-95-94 कुछ भी आता है इस टाइप में, तो आप लोग इस स्टॉक को बाई कर लेना, ठीक है। और कोई डाउट, FNO तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ FNO बहुत एक बेकार चीज़ है, और यहाँ पे लॉट का मैं बता दूंगा आप लोग को, तो लॉट में आपको यहाँ पे जैसे कि हमने अप्लाई किया, ये 58 स्टॉक का एक लॉट है, ठीक है, जिसमें हम लोग का प्राइस लग रहा है 14,848 रुपया, और लॉट हम लोग जैसे लेंगे तो इसमें बेनिफिट जो होता है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट दोस्तों, ये कुछ हाउ टू टोटल अमाउंट इतना भाई यहाँ पे, तो लॉट का एक बेनिफिट होता है जब रिलीज होगा, जब ये होगा तो आपको कितना क्या अमाउंट देगा, सारा चीज़ होता है, ठीक है ना। कंटिन्यू, ईमेल आईडी डालो आप यहाँ पे, और प्री अप्लाई फॉर IPO अप्लाई करोगे, प्रोग्रेस में चला जाएगा, तो उसके बाद आपको ये बता देगा कि भाई आपका अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, अगर लॉट मिल जाता तो अच्छा है दोस्तों, लॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं लॉट में, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसमें क्या चल रहा है भाई, कितना का डाउन चल रहा है ये, कोई ज़्यादा डाउन नहीं चल रहा, जो यहाँ पे अमाउंट देखा जाए 33, मतलब आपको बता दूँ 50 और 20, 70 रुपये का प्रॉफिट एक दिन में करवाया इसने, अभी ये 31-20 पे चल रहा है, जो ये प्राइस है 31-50 दोस्तों, सॉरी 70 रुपये नहीं, 30 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो 30 पे भी ये आया था, अभी धीरे धीरे ये जो आपको दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक भी बढ़ते ही चला जाएगा, इसका डाउन होने का चांस बहुत कम होता है, तो जब अगर ऐसा कुछ लगे बहुत ही डाउन हो गया तो इस स्टॉक का ज़रूर से आप लोग बाई करना, ठीक है। भारतीय एयरटेल का आपको बता दूँ तो 1454 चल रहा है, अगर मैं बहुत सारे लोगों को स्टॉक बाई भी करवाया हूँ, लेकिन अभी क्या है ना 6 रुपये माइनस में चल रहे हो, 6 रुपये जब प्लस होगा आपका, और मैं इसलिए खरीदवाया हूँ कभी होल्ड होने वाले, ठीक है, होल्ड में इसका अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा भारतीय एयरटेल का, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार करो और आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलेगा। LIC हो गया, ये सारा चीज़ तो मैंने बताया, मारुति सुजुकी का काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस है अभी, टोटल मोटर्स हो गए,
एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक भी अच्छा शेयर है। एक्सिस बैंक का भी देखो ये थोड़ा डाउन चल रहा है, कल गया था ये अमाउंट 12.72 में, अभी 61 पे है, और यहाँ पे 12.58-59 में भी आया है, 57 में भी आया है। लास्ट यार्डली देखो एक वीक का 12.64 था, फिर 81-91 प्रॉफिट है। एक्सिस बैंक में भी अच्छा प्रॉफिट है, आप लोग देख सकते हो। अडानी पार्ट्स हो गए, और भी ये छोटे छोटे जो ये बड़े बड़े जो स्टॉक है ना, इसमें गिरने का चांस बहुत ही कम में रहता है। जैसे कि हम लोग को करना क्या रहता है, अडानी पावर्स, ये सबसे पहले देखो यहाँ पे अडानी पावर्स का ये रेट। तो जो है ना, मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि जो अगर मान लो 4-5 ये स्टॉक खरीदते हो तो 40-50 रुपये का अभी के प्रॉफिट थोड़ा दिन में ही मिल जाता है। तो ये जो है स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अडानी पावर का। देखो अडानी पावर भी अभी अच्छा चल ही रहा है लगभग में, नहीं दोस्तों अभी तो ये थोड़ा डाउन चल रहा है, बट अडानी पावर एक अच्छा स्टॉक है, आप लोग लो और इसको होल्ड पे रखो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्राइस आपको कुछ आने वाले सालों में 1000 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। विप्रो का भी आप लोग को बता दो। विप्रो देखो यहाँ पे 34 पे भी गया, विप्रो में आपको देखो यहाँ पे सेल कर देगा 44 और 31 बाई होल्ड है। वन मंथ का जो प्राइस है यहाँ पे देखो 500 483 रुपये, अभी 500 कितना हो गया, 27 रुपये, अच्छा खासा 17.10% रिटर्न बहुत कम मिलता है, ठीक है। ईयर्स में देखो तो ईयर्स 33% रिटर्न दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। जे एस डब्ल्यू स्टील में आप 940-43 यहाँ पे 45 एक वीक पहले 923 भी गया है, हाईएस्ट रेट भी गया है, 48 भी गया है, मंथ पहले देखो 913, ये देखो कितना अंतर पड़ गया, ठीक है। 13 का 43 एक ही बार में हो गया अमाउंट। तो IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस क्रॉप, यहाँ आप लोग देखो ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक आपको ले लेना चाहिए था जब 170 पे था, और कुछ दिन पहले 155-160 पे भी चल रहा था। तो अभी ये स्टॉक लेके छोड़ोगे तो आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट देगा, रिटर्न देगा। तो सही मायने में मैं बताऊँ तो टाइम आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से कब स्टॉक बाय करना रहता है। और भारतीय एयरटेल हो गया, इंडियन ऑयल भी हो गया है, वोडाफोन मैंने बताया है कल के वीडियो में वोडाफोन के बारे में, तो अभी वोडाफोन कोई ज़रूरत नहीं है लेने का। पंजाब नेशनल बैंक का क्या चल रहा है हाल, तो पंजाब देख सकते हो अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, यहाँ पे 123 पे हालांकि गया था फिर ये डाउन आया। और अब पंजाब को मैं बताऊँगा कि कब पंजाब खरीदना है, क्योंकि पंजाब में कुछ अच्छे आपको बेनिफिट अब देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्दी। होल्ड पे देखो, अभी होल्ड पे लगाया गया 44% होल्ड पे एक्सपोर्ट रेटिंग के तहत, और सेल पे 25-31 पे भाई, ठीक है। मतलब आपको देखो यहाँ पे पंजाब को प्रॉफिट देने वाले पंजाब बहुत ही जल्दी। और जियो का हम लोग एक बार देख लेते हैं, जियो कहाँ गया भाई, थोड़ा सा एक मिनट, रियल विकास निगम वो तो देखेंगे हम, इतना देखेंगे तो हम सर्च ही कर लेंगे यार। जियो फाइनेंशियल है 352 रुपये, देखो यहाँ पे 354 भी गया था, 352 आया है एक वीक पहले का देखा जाए, एक वीक 360 भी गया है, ये देखो आप लोग, ठीक है। ये स्टॉक का प्राइस देखो जियो का जो है 27349 भी गया है, तो ये कम है, 360 गया है यहाँ पे, तो ये सारा चीज़ आप लोग को देखने को मिल रहा है। 359-63 भी गया था एक मंथ पहले, जो 14 तारीख का बात किया जाए, फिर यहाँ पे आपको 60 तारीख को 23 हो गया, इधर 13 जून को आपको 360 का देखने को मिला, मतलब 8 रुपये एक का प्रॉफिट दिख रहा है, 8 या 7 रुपये करीब में, तो सोचो एक स्टॉक पे अच्छा खासा मार्जिन आपको बच रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ तो हो गया। म्यूचुअल फंड्स में आए तो म्यूचुअल फंड्स में आपको हाई रिटर्न पे नहीं लगाना चाहिए कभी, SIP विथ 100 रुपीज़, ठीक है, ये एक अच्छा चीज़ है जो मैंने भी किया। अभी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये डेक्सपोर्ट पे जाओ, डेक्सपोर्ट पे देखो यहाँ पे 700 रुपये मैंने अभी इन्वेस्ट किए थे, एक दिन दो दिन पहले ही हुआ, जो वन डे में आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है 703 रुपये, मतलब आपको बता दूं ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने 100 रुपये का इन्वेस्ट जो किया था उसको हटा दिया, अभी 600 रुपये का है, मतलब समझ लो एक तरीके से यहाँ पे
इन प्रोग्रामिंग दिखा रहा है कंप्लीटेड। यहाँ पे क्लिक करते तो यहाँ पे देखो 42.42% का यहाँ पे मार्जिन चल रहा है। देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा 599.93 पैसे इन्वेस्ट हुए थे, करंट का है 602.47 रुपये। ठीक है, रिटर्न आपको यहाँ पे मिल गया है 2.54 पैसे। तो ये एक अच्छा चीज़ है भाई, चलो कोई बात नहीं। एक साल का मैंने SIP लिया है तो हर मंथ क्या होगा मेरे को 600 रुपये देना रहता है, और उसके बदले जितना भी रिटर्न मिलेगा उसको हम वेटो कर लेंगे। तो SIP के बारे में आपको पूरा अच्छे से डिटेल्स में ग्रुप में दे दूंगा कि SIP एक चीज़ क्या करना है, कौन सा SIP बाई करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को जरूर से दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से यार सभी दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।